हेलो फ्रेंड्स, हाय, नाइस टू मीट यू। कैसे हैं आप लोग? सो माई सेल्फ नेहा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 कंप्लीट करवाया था, अब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर 4, जिसमें हमें अल्टरनेटिव साइन फॉर आर एंड एच उसका पढ़ने को मिलेगा। ये चैप्टर है, देखिए आप जरा, ये चैप्टर नेम देख लीजिए आप इसमें। ये हमारा चैप्टर 4 है, इसमें अल्टरनेटिव साइन फॉर आर एंड एच, इसमें हम आर और एच के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रोक के साथ ये कैसे कैसे बनते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना कर रखे हैं, आर से पहले वोवल आए तो आर डाउनवर्ड बनेगा। अगर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे वोवल आता है उसके अकॉर्डिंग हमारे ये वर्ड्स बनते हैं। तो स्पेशली कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कुछ ही लेटर्स में अप्लाई होते हैं, जैसे कि आर और एच में अप्लाई हो रहे हैं। तो आर से पहले वोवल आए तो आर डाउनवर्ड बनेगा। इट मीन्स जैसे कि एयर है, तो हमारा आर कैसे बन रहा है, ये डाउनवर्ड बन रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वोवल, वैसे तो मैंने आपको एल और आर सिखाया है कि आर डाउनवर्ड बनता है, लेकिन आप एक चीज़ ये भी देखिए कि आर के साथ वोवल आ रहा है इसलिए वो डाउनवर्ड बन रहा है। नेक्स्ट है, अगर आर के बाद वोवल आए तो आर अपवर्ड बनेगा। जैसे कि आर के हमने दो रूल पढ़े थे, हर कोई ये पूछता है कि आर हमें दो तरीके से बनाना है, एक तो हमें डाउनवर्ड बनाना है, एक हमें अपवर्ड बनाना है। तो ये वाले जो रूल्स होते हैं, ये कि कब अप्लाई करने हैं, मतलब आर हमें कैसे पता चलेगा कि आर कब डाउनवर्ड बनना है, कब अपवर्ड बनना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये रूल है। जैसे कि आर से पहले वोवल आए तो आर डाउनवर्ड, और आर के बाद वोवल आए तो आर अपवर्ड बनेगा। जैसे कि बेरी बना हुआ है, तो आप देखिए इसमें बेरी करके बी डार फिर आर, ये हमारा अपवर्ड बन गया, तो वैसे बनाना है। ठीक है, फिर आता है हमारा के और गे। के और गे के साथ एच डाउनवर्ड बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं तो उसके साथ कोई भी लेटर आते हैं तो उनकी जो पोजिशन होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। अब हमने एच भी दो तरीके के पढ़े थे, एक तो अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो ये हमारा कौन सा वाला एच हो गया, ये डाउनवर्ड वाला एच हो गया, जिसके हेक हो गया हमारा, ये ऐसे फिर ऐसे फिर हेक, एक का साउंड आ रहा है इसलिए डार्क होगा लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है के और गे, मतलब के और जी के साथ अगर एच आता है तो एच हमारा क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, फिर आता है हमारा एम और आर। एम और आर या आर एम, आर हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। अगर एम आर आ रहा है या आर एम आ रहा है, तो हमेशा आर क्या बनेगा, हमारा डाउनवर्ड बनेगा। जैसे कि हमारा हो गया आर्म, ये हमारा रोमा, रोमा। ठीक है, तो आप ध्यान देखिए, देखिए इसको ध्यान से देखिए, पहले ए, पहले आर एम आ रहा है साथ में, तो आर आर पहले आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर रोमा। प्रोनाउंसिएशन में जैसे आर आता है, जहाँ भी उसकी पोजीशन आ रही है उसके अकॉर्डिंगली उसके साइन बनेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि आज के चैप्टर में मैंने आपको बताया कि आर और आर और एच की क्या पोजीशन होती है और वो कैसे बनाए जाते हैं, तो उसको कैसे करना है आपको, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप ये पूरा चैप्टर देख लीजिए, कि आपके लिए थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ, देखना ज़रा, यह पूरा का पूरा आपके लिए रूल्स लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, ये अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा सेम के सेम। और मैंने वैसे भी आपको ग्रामर लॉग पहले ही सिखा दिया था ये वाला, कि हमारा देखिए अब पुट कैसे बनना है, बी टू बी, फिर इट, हैड, डू, डिफरेंस, डिफरेंट, मच और विथ। तो अगर आप लोगों ने वो कॉपी में देखा हो तो वो भी ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सिखाऊंगी 13 और 14 की। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में इतना ही गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गुड बाय गाइज, थैंक यू।